जैसे कि मैं हमेशा बातें करता था आपसे जीएसटी से रिलेटेड, आज भी मैं जीएसटी से ही रिलेटेड बात करूंगा। और जीएसटी में भी मैं आपको आज कंपोजिशन स्कीम की ओर फिर से ले चलूंगा, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा कंपोजिशन स्कीम में आप GSTR4 एनुअली जो भरते हैं उसे आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके कैसे चेक करनी है, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, फाइलिंग के लिए आप कैसे कर सकते हैं, और कुछ बेसिक्स पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपको कैसे कैसे ध्यान में रखने हुए उसको फाइल करना है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन, आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट, आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने जीएसटी की वीडियोस में। दोस्तों, जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो GSTR4 एनुअल रिटर्न जो कही जाती है वो 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई है कि इसके बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न GSTR4 ही फाइल करना होगा। दोस्तों, कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए या फिर आपको एनुअली कौन कौन इसे भर सकता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मीन्स अगर 1/4/19 से 31 मार्च 2020 में ऑप्ट किया है तो भी आपको कंपलसरी है इसे भरना। और आप अगर पहले से ही कंपोजिशन स्कीम में थे तो भी आपको है कंपलसरी इसको भरना होगा। इसमें और भी क्राइटेरिया है कि क्या आप इसमें निल भर सकते हैं, निल के लिए क्या क्या चीजें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ड्यू डेट की अगर बात करूं तो दोस्तों, ड्यू डेट इसकी जो है वो इमीडिएटली सक्सीडिंग 30th डे, उससे पहले ही आपको भर लेना होगा GSTR4 एनुअल रिटर्न्स को। मीन्स अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो फाइनेंशियल ईयर 1/4/19 से 31 मार्च 2020 तक, इसके जस्ट बाद जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ मीन्स 31 मार्च 2020 जब खत्म हुआ उसके अगले 30 दिन मीन्स 30th ऑफ अप्रैल 2020, इसकी एक नॉर्मल ये ड्यू डेट है कि 30 अप्रैल 2020 से पहले पहले ही आपको अपनी GSTR4 एनुअल रिटर्न भर लेनी है। बट ड्यू टू कोविड पैंडमिक सिचुएशन ये रिटर्न एक्सटेंड कर दी गई है 31st ऑफ अगस्त 2020। मीन्स अभी आपके पास टाइम है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अभी तक अगर आपने GSTR4 एनुअल रिटर्न नहीं भरी है तो मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि आप अभी भी उसे भर सकते हैं। आप अपने क्राइटेरिया को चेक करिए जो मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको निल भरना चाहिए या आपको निल नहीं भरना चाहिए। ये हो गई एक नॉर्मल बातें कि हाँ एलिजिबिलिटी क्या है और आपको ड्यू डेट क्या है जो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो बात आती है वो है निल कैसे फाइल कर सकते हैं, मींस निल के लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी होंगी, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, निल आप कब भर सकते हैं, जब आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई ना करी हो, कुछ भी गुड्स रिसीविंग या कोई सर्विसेज आपने रिसीव ना करे हो, आपके पास कोई लाइबिलिटी ना हो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, आपने CMP 08 जो पेमेंट के लिए फॉर्म जाता है क्वार्टरली, आपने उसमें भी कोई भी चीजें डिक्लेयर ना करी हो, मीन्स वो भी निल फाइल हुआ हो। यही तो है 4 पॉइंट्स, बेसिक बेसिक 4 पॉइंट्स। अगर मैं इसको लॉ की लैंग्वेज में पढ़ूं तो नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, कोई भी आपने आउटवर्ड सप्लाई नहीं मेड की है मीन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके पास कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि आपने कोई भी रिसीविंग नहीं करी है गुड्स और सर्विसेज की, नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। मीन्स अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपने गुड्स ना रिसीव किया हो, आप सर्विसेज में डील करते हैं तो आपने सर्विसेज ना रिसीव की हो, एज सिंपल। थर्ड पॉइंट इसमें बात आती है कि भाई जब मैंने सर्विसेज ली ही नहीं, मैंने गुड्स लिया ही नहीं, मैंने आउटवर्ड सप्लाई की ही नहीं, तो मेरे पास लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, मींस मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी ना हो रिपोर्टिंग के लिए। फोर्थ पॉइंट, जब तीनों पॉइंट से ही रिलेटेड है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो समझ जाएंगे कि जब मैंने कोई भी सप्लाई नहीं की, मैंने कुछ भी गुड्स और सर्विसेज मींस गुड्स का लेन देन हुआ ही नहीं, सर्विसेज का लेन देन हुआ ही नहीं,
तो फिर ना मेरी लाइबिलिटी बनेगी, ना मैंने CMP 808 में कुछ चीजें दिखाई होंगी, मीन्स वो भी निल फाइल हुई हो। ये चार कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। इन चार कंडीशंस को आप फुलफिल करेंगे तो फिर आप GSTR 4 निल फाइलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, फाइलिंग के लिए आप फॉर्म कैसे ओपन कर सकते हैं उसके लिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। आपको अपने डैशबोर्ड पे मींस अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है, GST पोर्टल पे लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करके। उसके बाद फिर आपको सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न में जाना है, एनुअल रिटर्न में फिर आपको फाइनेंशियल ईयर के थ्रू सर्च करना है। से एग्जाम्पल आपने 1920 ऐड किया, सर्च करने के बाद वहां पे GSTR 4 आएगा, देन फाइल द रिटर्न ऑप्शन को टैप करना है। तो आपके पास एक पूरा फॉर्म खुल करके आएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। मैं उसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें भरनी होती है, क्या क्या चीजें उसमें आपको चाहिए, बट सिंपली आप उसमें सारे डेटा को फिल करिए और उसको फाइल कर दीजिए। फाइल करने के बाद एज सच जितने भी फॉर्म्स का इंटीमेशन आपको मिलता है मेल्स के थ्रू, अगर आप कोई फाइलिंग करते हैं, मेल्स पे आपको सब कुछ रिसीव हो जाता है। एक ARN नंबर जनरेट होता है जो कि आपको मेल्स के थ्रू मिलता है और SMS के थ्रू भी मिलता है, आपको वो रिसीव हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि GSTR 4 आपकी तभी फाइल हो सकती है जब आपकी क्वार्टरली रिटर्न CMP 08 फाइल्ड हो। मीन्स ये ध्यान रखें, GSTR 4 भरने से पहले आपको CMP 08 फॉर्म फाइल करना जरूरी है, पूरे क्वार्टर्स का फाइल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आप एक बार GSTR 4 फाइल कर देंगे तो क्या सर मैं रिवाइज कर सकता हूँ? नहीं मेरे दोस्त, GSTR 4 को रिवाइज करने का कोई भी ऑप्शन अभी भी नहीं दिया गया है। रिवाइज हालांकि फॉर्म्स नहीं होते हैं GST पे। दूसरी बात मैं बात करूं कि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टूल्स हैं क्या? दोस्तों, केवल अभी ऑनलाइन टूल को ही इनेबल किया गया है GSTR 4 के लिए। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको इसमें ऐड करूंगा कि क्या GSTR 4 जो क्वार्टरली पहले था और क्या GSTR 4 एनुअल में डिफरेंस है? बिल्कुल 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 उसमें डिफरेंस ये है। पहला डिफरेंस तो आपको ऐसे ही लग जाएगा बिकॉज वो क्वार्टरली रिटर्न थी और ये फाइनल रिटर्न मीन्स एनुअल रिटर्न है। एक बेस तो ये हो गया। दूसरे बेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, 1/4/2019 से जब से CMP 08 ओपन हुआ है, फॉर्म मीन्स वो लागू हुआ है, तब से क्वार्टरली रिटर्न जो GSTR 4 हमारी जाती थी उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। उसके बिहाफ पे CMP 08 क्वार्टरली रिटर्न जो अब जाती है वो भी क्वार्टरली के रूप में ही जाती है, तो उसे फाइल किया जाता है। और 31 मार्च 2019 तक के ही टैक्स पीरियड के लिए आपके पास GSTR 4 क्वार्टरली रिटर्न भरने का टाइम था। मीन्स अगर उस टैक्स पीरियड में आप भर रहे हैं तो GSTR 4 क्वार्टरली आप भर सकते हैं। उसके बाद जितने भी टैक्स पेयर, मतलब मीन्स अब जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, आगे जो आएगा या जो बीत गया 19 से 20, उसमें आपको GSTR 4 एनुअल में ही फाइल करना था। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो GSTR 4 में आपको एलिजिबिलिटी, ड्यू डेट्स और क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करके ही रखना होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि GSTR 4 की जो एक एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2020 हो गई है, जो कि होनी चाहिए थी नॉर्मल 30 अप्रैल 2020, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन 31 अगस्त 2020 वो आप भर सकते हैं। अभी आपके पास काफी टाइम है। मैं तब तक के लिए आपको यही बोलूंगा दोस्तों, जल्दी करें, अपने रिटर्न्स को जल्दी से जल्दी भरें। लास्ट डेट पे, लास्ट सिचुएशन पे ये ना देखें कि मैं लास्ट डेट पे जाके ही भरूंगा, उससे पहले ही आप अपने रिटर्न्स को भर लें। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आगे वीडियोस के साथ आता रहूंगा और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचाता रहूंगा। टैक्स फॉर वेल्थ के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन करें जिससे आप हमारे साथ रेगुलर अपडेट्स पाते रहें। धन्यवाद।